नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नीचे को काफी गहरी गुफा है, पानी गहरा होता जा रहा है। सारे चमगादड़ यहाँ पे उल्टे लटके पड़े हैं, ये देखिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ ईश्वर राठौर, स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू ब्लॉग पे सीधे पहाड़ से। तो हमारा सफर जो शुरू हुआ था सिकर और भनार से, तो वो हमने कर लिया है और आपने मेरे पिछले वीडियो पे देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम हैं सिकर भनार से करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर आगे, और यह है कोटमनिया। और आज हम जा रहे हैं भद्रकाली। भद्रकाली मंदिर खूबसूरत सा मंदिर है और वहाँ प्राकृतिक गुफा है जहाँ से नदियाँ बहती हैं। बाकी डिटेल तो मैं वहीं जाके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं और सामान रख रहे हैं अभी। तो कोटमनिया से अभी हम निकलेंगे बेरीनाग और फिर सेराघाट होते हुए भद्रकाली की ओर को, और आज ही हम रिटर्न कर जाएंगे अपने अपने घर को। चलिए भैया, सब रेडी हो गए, गाड़ी में बैठ गए, चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आगे की ओर को फटाफट निकलते हैं। हवा हवा चेक कर ली सब? हवा चेक करी? हवा चेक करी नहीं करी? हाँ, हवा चेक कर ली, सही है। चलिए भाई साहब, बैठे बैठे बैठे। तो कल हम जा रहे थे कांडा होते हुए यहाँ से, लेकिन पेट्रोल पंप काफी दूर है और आज हमें जाना पड़ेगा बेरीनाग से। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप हमें जल्दी मिल जाएंगे, तो चलते हैं, सफर शुरू करते हैं। यहाँ पे काफी होम स्टे हैं, हमें पता नहीं था। तो हमें पता था, हमने इनको बोला, लेकिन इन्होंने कहा कि क्या जाए यार, बारिश आ रही है। बारिश भी थोड़ी, तो क्या थी, बारिश काफी तेज बारिश थी, थोड़ी देर आधी तूफान तगड़ा आया, तो हमें लगा कि यार हमें रुक जाना चाहिए और बारिश में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें जो पास में सबसे बढ़िया स्टे लगा, तो हम वहाँ रुक गए और अच्छी बहुत बेहतरीन रात बिताई हमने मच्छरों के साथ। उनके पालतू मच्छर वो एक्चुअल में उनका कहना था कि हमारे पालतू मच्छर काटेंगे नहीं, बस हॉर्न बजाएंगे रात भर आपके कानों में। रुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, हैप्पी होम रिजॉर्ट है यहाँ पे बेरीनाग चौकड़ी से थोड़ा आगे को, और यह रेस्टोरेंट यहाँ का। तो नाश्ते का ऑर्डर दिया है हमने अभी, ये आ गया ब्रेकफास्ट हमारा। यह है आलू के पराठे, रायता, छोले। चलिए जी, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और फिलहाल टाइम हो रहा है 8:12, तो अभी निकलते हैं और देखते हैं घर कब तक पहुँचेंगे। ये रास्ता जाता है हमारा अल्मोड़ा की ओर को, सेराघाट अल्मोड़ा की, और यहाँ से हमने मुड़ना है भद्रकाली की ओर को। कांडा रोड भी है ये वैसे तो, बाकी सर कांडा रावत सेरा 17 किलोमीटर भद्रकाली है यहाँ से। एक गुफा मिली है हमें यहाँ पर जाते हुए, तो काफ़ी गहरी है, तो एक बार ट्राई करते हैं जाने का। लॉक कर लेते हैं फटाफट से, और ये रोड के बगल में ही है गुफा, और ट्राई करते हैं एक बार। आ रहे हैं हमारे मित्र बंधु, एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एकदम गहरी खाई है और यहाँ पे बना रखा है जाने का, यहाँ पे सीढ़ी बनाई हुई है, यहाँ पे आराम से पकड़ के जा सकते हैं। रिस्क है, अंदर को है इतना ही है, एक तो नीचे भी है। चलो चलो, स्पेस कम है ना, सीढ़ी स्पेस कम नहीं है, तुम्हें डर लग रही है बोल। यहाँ से एकदम गहरी खाई है गुफा, चलिए देखते हैं। है लेकिन काफी है, वाओ। ये देखिए, आप देख सकते हैं और भी है यार, उसकी तरफ बिल्कुल इसकी तरह नहीं लग रहा, जैसे ऑक्टोपस के नहीं होते हैं, ऑक्टोपस नहीं होते हैं, ये जटाएं होती हैं। ये सेम लग रहे हैं जैसे यहाँ पे जटाएं ऊपर है, ये जैसे पाताल भुवनेश्वर में है,
ठीक उसके तरह ही दिख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ कलाकृतियां हैं बनी हुई हैं। मैं सबसे पहले निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर को। ये देखिए बड़ा डेंजर जगह था थोड़ा सा। अब मैं हमारे दो साथी पीछे से आ रहे हैं। ये देखिए एक ही हमारे अभी नीचे ही है और गुफा काफी गहरी है। हमारे पास अभी सेफ्टी फीचर्स थे नहीं तो हमने अभी नीचे को जाना चाहते उचित नहीं समझा। अब आए हमारे राठौर जी क्योंकि हमारे पास सेफ्टी चीज़ें थी नहीं तो हमने कहा अब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नीचे को काफ़ी गहरी गुफा है। ये हमारे कांडपाल जी इन्होंने थोड़ा और नीचे जाके काफ़ी संघर्ष करके हमें आगे का रास्ता दिखाया है। तो हम आगे हैं अब गुफा से बाहर। अब आगे वो बढ़ते हैं भद्रकाली में भी गुफा है तो अब उसको देखते हैं। गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं भद्रकाली मंदिर के पार्किंग स्थल पे और यहाँ से है माँ भद्रकाली का गेट और सामने से हमने जाना है आगे वो गेट में। बाकी पहले तो हम आए नहीं हैं, फर्स्ट टाइम हमारा, तो आगे पूछते पूछते चले जाएंगे कहाँ पे मंदिर है कहाँ पे गुफा है। तो फिलहाल अभी हम अपने जूते उते गाड़ी पर रख के चल रहे हैं और टावल वावल ले लेते हैं वहाँ पे पहले स्नान करके फिर जाएंगे हम मंदिर की ओर को। चलिए मेन रोड से हमें उतरना है नीचे की ओर को भद्रकाली मंदिर यह है। उससे पहले नीचे कुंड है वहाँ पे स्नान करते हैं उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। पानी की मात्रा कमी लग रही है आगे। तो भद्रकाली मंदिर का गुफा शायद यहाँ पे है, नीचे जाके देखते हैं अभी। और ये जो पानी आ रहा है मैया के मंदिर से ही होते हुए आ रहा है। बाकी ये नीचे कुंड की ओर जाने का रास्ता है। देखिए जी हमारा स्नान हो चुका है इस कुंड में। काफ़ी तो नहीं लेकिन ठंडा पानी है, अच्छा पानी है, रिलैक्स हुआ है बॉडी को। और सामने है गुफा। अब हम कर रहे हैं गुफा में जाने की तैयारी। बैग टांग लो। बेल्ट वेल्ट कहाँ है तुम्हारा? गुड। तो बैग वैग टांगो, अंदर गुफा में होके आते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं दर्शन करने। गुफा में होके फिर हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। देखते हैं पूरा पानी का आवाज़ आ रहा है, पूरी नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है। नदी बहते हुए आ रही है और अंधेरा काफ़ी है अंदर को। लाइट जलाते हुए जाना है हमने। गर्म तो है ना। देखते हैं अंदर तक जाके गुफा में। और यहाँ पे चमगादड़ भी बहुत है, चमगादड़ भी आपका अटैक कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी तो बरसात नहीं है, बरसात के मौसम में तो यहाँ पे पानी काफ़ी मात्रा में होती है। थोड़ा स्लीपी है। देखते हैं स्ट्रक्चर, ऊपर को भी गुफा है, ऊपर को भी गुफा टाइप की कुछ बनी हुई है।
देखते हैं जहाँ तक संभावना हो सके वहाँ तक जाते हैं। अरे ये सारे अटैक कर रहे हैं, चमगादड़ ये बहुत है, चमगादड़ चमगादड़ बहुत। आँखों में तो चश्मा है वैसे, पानी की गहराई भी है और चमगादड़ भी हमें अटैक कर रहे हैं बहुत। ये देखिए ये सब चमगादड़ है ऊपर, और यहाँ से पानी पानी गहरा होता जा रहा है। तो हमें लगता है हमें यहीं से वापस होना चाहिए क्योंकि चमगादड़ यहाँ पर बहुत अटैक कर रहे हैं यार। निकलना चाहिए क्योंकि उनका घर है भाई, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, है ना। ये देखो ऊपर भी गुफा जैसी है पूरी, वो ये देखिए बच्चे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। तो भाई साहब वहाँ पे चमगादड़ बहुत सारे अटैक करने लग गए थे, उससे आगे तो फिर जाना थोड़ा टफ ही हो गया था, तो हम लौट आए हैं। यहाँ से एक छोटा सा झरना आ रहा है, अब बरसात के मौसम में पूरा यहाँ से पानी आता होगा पूरा एरिया। तो हम गुफा में हो आए हैं, अभी जा रहे हैं हम भद्रकाली मंदिर की ओर को, वहाँ पर भी एक गुफा है तो पंडित जी से पूछेंगे कहाँ पे है। बाकी यहाँ पे हो रहा है हवन कार्यक्रम हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। अच्छा बर्थमन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो प्रोग्राम हो रहा है बर्थमन टाइप। हाँ यह है रास्ता, और बाकी यहाँ नहाने की और टॉयलेट की सारी सारी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पे, और ये बीच में जंगलों के बीच में नदी बह रही है, गुफा से जो नदी निकल रही है। तो ऐसा है कि मंदिर की जड़ों से ये पानी आता है और उसी के पीछे वहाँ पे गुफा भी है। तो अभी पंडित जी से पूछते हैं गुफा के बारे में। चलिए ये पहुंच गए हम मंदिर में, मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से दिखा देता हूँ। यह है मंदिर यहाँ का भद्रकाली मंदिर, मंदिर यह है भद्रकाली मंदिर। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो हमने बनाया नहीं है, और मंदिर के जस्ट पीछे एक गुफा और है। जैसे तो यह है मंदिर के पीछे का हिस्सा। चलते हैं एक मंदिर के पीछे। ये तो जो नीचे वाली गुफा थी, यहाँ से पानी आके वो नीचे वाली गुफा में जा रहा है, और एक गुफा है यहाँ पे। तो मंदिर के पीछे हम आए हैं, और यहाँ पे एक गुफा है जहाँ पे हमारे शिव जी विराजमान हैं माँ अम्बे के साथ, और ये है। और सामने ये जो गुफा है
इसको यहीं पे बंद कर दिया गया है क्योंकि नीचे एकदम खाई है, नीचे जाने का रास्ता नहीं है, एकदम खाई है, तो इसको यहीं पे बंद कर दिया गया है। ये शायद जो नीचे वाली गुफा है उसी से कनेक्टेड है। और सामने देखिए ये सारे चमगादड़ यहाँ पे उल्टे लटके पड़े हैं, ये देखिए। तो यहाँ से कर दिया है लॉक क्योंकि यहाँ से कोई भी नीचे जाएगा तो आगे से एकदम खाई है, तो वहाँ कोई जा नहीं सकता, जाएगा तो रिस्की है, इसलिए बंद कर रखा है। बाकी ये है गुफा, चलो चलते हैं, आओ चलते हैं। यहाँ पे बैठ के लहरा देते हैं और यहाँ पे आप साधना भी कर सकते हैं बैठ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब निकलते हैं इस गुफा से बाहर की ओर को, ये है गुफा। तो इस गुफा से होते हुए फिर मंदिर में जाएंगे। तो ये पूरी एक तरीके से मंदिर की पूरी परिक्रमा हो गई है। ये तो ये है भद्रकाली मंदिर और उसके दर्शन हमने कर लिए। तो फाइनली हमारे मंदिर के दर्शन हो गए हैं बढ़िया से, और अंदर हमने आरती वारती सब कर ली है और गुफा के दर्शन हमने सब कर लिए हैं बढ़िया से। और एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें समझाई हैं, ज्ञान की बातें करी, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं आप सीधे अपने घर भीमताल की ओर को, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।